स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राजेश वर्मा जी से मेरी निवेदन होगी कि वो स्वागत करेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार तिवारी जी सांसद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। गणपति महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का शुभ आरंभ दिनांक 7/9/2024 से 16/9/2024 एवं समय दोपहर 2 बजे से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। दर्शनार्थियों हेतु मुंबई के लाल बाग से लाई गई गणपति के विशाल एवं अत्यंत शोभनीय मूर्ति के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। परम सदैव श्री अधिराचार्य जी महाराज द्वारा श्री राम कथा वाचन दिनांक 12/9 से 16/9 तक धार्मिक क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित विभूतियों द्वारा भजन प्रस्तुति का श्रवण कर आध्यात्मिक अनुभव का आप आनंद भी उठा सकेंगे। सभी कार्यक्रमों को टीवी द्वारा चैनल द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। विस्तृत मीडिया कवरेज भी की जाएगी और अन्य प्रिंट संचार माध्यमों द्वारा वापस प्रचार प्रसार भी होगा। प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय मंत्री सांसद विधायक एवं विशेष गणमान्य राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों सहित प्रतिष्ठित उद्योगपतियों व्यवसायियों प्रभावशाली व्यक्तियों समूह संस्थाओं व संस्थानों की उपस्थिति साथ आमंत्रित है। अब मैं चाहती हूँ कि आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया जाए। मैं चाहती हूँ कि आज हमारे साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे श्री मनोज तिवारी जी। जय श्री राम, जय श्री गणेश जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दिल्ली के और दिल्ली के NCR के प्रत्येक घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश सत्य सनातन और उसके संदेश को जिसमें वसुदेव कुटुंबकम का भाव छुपा है, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव छुपा है, जिसके तहत हम सब लाल बाग के राजा की मूर्ति बनाते हैं, शिल्पकार उन्हीं की बनाई हुई मूर्ति दिल्ली में 2015 से प्रतिष्ठापित हो रही है और इस बार उसका एक विस्तारित भव्य कार्यक्रम 7 सितंबर से 16 सितंबर तक दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में, जो DDA का बड़ा ग्राउंड है, जिसको पुराने निरंकारी संत समागम के लिए भी उसका प्रयोग होता है, तो इस नाम से भी वो जाना जाता है, वहां पे ये आयोजित होगा। और मुझे ये सूचना देने के लिए हमारे जो बड़े भाई लोग हैं बाएं दाहिने सत्यभूषण जैन जी, राकेश मित्तल जी और पूरी समिति आपके सामने बैठी है, इसका परिचय हम अभी कराएंगे आपसे। 2024 की गणपति महोत्सव को जो 8वां है दिल्ली के लिए, इसको और भी भव्य बनाने के लिए श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है और उनका आगमन 7 सितंबर से 5 दिन तक रहेगा। 5 दिन तक उनके श्रीमुख से कथा भी होगी, सत्य सनातन की अच्छी बातें भी प्रवाहित होगी और जो इस 8वें गणपति महोत्सव का अंतिम 5 दिन होगा उसमें हमारे भारत के वृंदावन के एक बहुत ही अद्भुत संत श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का आगमन होगा, उनकी कथा होगी
श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को भी अब पूरा देश दुनिया जान रही है, बड़ी स्पष्ट वादिता रहती है। और श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पर तो जैसे हनुमान जी की साक्षात कृपा बनी हुई है, तो मैं ये सूचना देते हुए अपने को इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हूँ। और श्री लाल बाग राजा ट्रस्ट जो है, इनसे इतना जुड़ा हूँ कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे साथ राकेश निंदा जी रहते हैं। अब देखिए आयोजन तो ये लोग हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ, मैं उसका मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ लालबाग राजा ट्रस्ट का, और इसलिए इस आयोजन को सफल से सफल बनाने में हम लोग सारी शक्ति लगाएंगे। मीडिया के थ्रू हमारी प्रार्थना होगी, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम सब दिल्ली के सभी लोगों को जो इस गणपति महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आइए। हम लोग लगभग 5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, पंडाल बनाने का और वाटरप्रूफ पंडाल, सारी व्यवस्थाएं, वहां आने वाले को कोई असुविधा न हो, इसकी हम कोशिश करेंगे जब तक इंद्र महाराज का कोई अलग से रूप न देखने को मिले। क्योंकि हम तो जितने जगह की व्यवस्था करते हैं, पीछे भी हमने जब एक कार्यक्रम किया था तो सारी व्यवस्था करने के बाद भी बाहर इतना बारिश हो गया कि आचार्य गण को स्टेज पे लाने के लिए उनकी गाड़ियों को हमें ट्रैक्टर से खींचना पड़ा, तो वो तो एक अलग प्राकृतिक स्वरूप है। तो ये जानकारी देते हुए मैं अब निवेदन करूंगा कि हमारे जो लाल बाग राजा, इसमें कई कलाकार भी आएंगे जो समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, इसकी जानकारी हमारे आदरणीय अभी राकेश बिंदल जी, सत्यभूषण जैन जी आपको दें। हमारी तरफ से इस पूरे व्यवस्था को देखने के लिए, चूंकि मैं भी इसका एक सदस्य हूँ, तो हम लोग पूरे दिल्ली को और NCR को निमंत्रित करेंगे ताकि इस गणपति महोत्सव का सभी को। इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत TV। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।